तो जोधपुर से खबर है, एसओजी की टीम ने राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में की है रेड और ट्रेनिंग कर रहे कुछ उप निरीक्षकों को हिरासत में लिया है। प्रवीण बिश्नोई, प्रभा बिश्नोई, प्लाटून कमांडर को हिरासत में लिया है। एडीजी वीके सिंह के नेतृत्व में दिया है कार्रवाई को अंजाम। एसओजी टीम की ये बड़ी कार्रवाई जोधपुर में बताई जा रही है। तो एसओजी टीम ने राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में रेड किए, ट्रेनिंग कर रहे कुछ उप निरीक्षकों को मौके से हिरासत में लिया गया है। प्रवीण बिश्नोई, प्रभा बिश्नोई, प्लाटून कमांडर को हिरासत में लिया गया है। एडीजी वीके सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई को दिया गया है अंजाम। तो जोधपुर से ये खबर है, एसओजी टीम की जोधपुर में ये बड़ी कार्रवाई। ट्रेनिंग कर रहे कुछ उप निरीक्षकों को हिरासत में लिया गया है। प्रवीण बिश्नोई, प्रभा बिश्नोई, प्लाटून कमांडर को हिरासत में मौके से लिया गया है। एडीजी वीके सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो जोधपुर में एसओजी की ये कार्रवाई देखने को मिली है। ट्रेनिंग सेंटर में रेड की गई, जहां से ट्रेनिंग कर रहे कुछ उप निरीक्षकों को हिरासत में लिया गया है। ललित जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ललित, अभी क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर, अपडेट बताएं सबसे पहले। ललित, एसओजी ने आज पेपर लीक और जो उप निरीक्षकों की परीक्षा थी, पुलिस उप निरीक्षकों की परीक्षा जिसमें पेपर लीक हुआ था और उसमें पेपर खरीद कर जो आरोपी हैं, जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में पास हो गए थे और ट्रेनिंग कर चुके हैं, बहुत से लोग ट्रेनिंग कर भी चुके हैं पूरी और ट्रेनिंग कर भी रहे हैं, इनमें से दो लोगों को जोधपुर से हिरासत में लिया है एसओजी ने, जिनमें प्रभा बिश्नोई जो कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की प्लाटून कमांडर है और उसके अलावा एक और प्रभा बिश्नोई, दो लोगों को हिरासत में लिया है। उनको पूछताछ के लिए ले जाया गया है। प्रवीण बिश्नोई और प्रभा बिश्नोई दोनों को एसओजी की टीम ने हिरासत में लिया। राजस्थान में ऐसे छह सब इंस्पेक्टर जो कि आरोपी हैं कि पेपर खरीद कर उन्होंने ये परीक्षा पास की थी, उनको हिरासत में लिया गया है और एसओजी सभी से पूछताछ कर रही है। एसओजी को जो जांच में अब तक जो पता चले हैं, बड़ी संख्या में ऐसे जो ट्रेनिंग कर चुके हैं या ट्रेनिंग कर रहे सब इंस्पेक्टर है उनको एसओजी ने पकड़ा है और अभी और भी कुछ लोगों की तलाश है। ऐसी सूचना लगातार मिल रही है कि इन और लोगों को जल्दी पकड़ा जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ललित, तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद।